भी आज मैं आपसे बात करूंगी भारत के अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी के बारे में। हर इंसान बचपन से ही सफल और पैसे वाले बनने का सपने देखता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ना केवल अपने से सपने देखते हैं बल्कि उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी भी उन्हीं लोगों में से गिने जाते हैं। मुकेश अंबानी को उनके पिता धीरूभाई अंबानी से ही विरासत में लगन व मेहनत की शिक्षा मिली, जिसके चलते आज वो न केवल एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि नई युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत भी हैं। जहां लोग अपने अतीत में केवल कृषि और सरकारी नौकरी को ही अपना पेशा मानते थे, ऐसे मुकेश अंबानी ने इस विचारधारा से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना और उसे सफल बनाना ही बहुत बड़ी बात है। मुकेश अंबानी ने 2002 में अपने बेहतर बिजनेस स्किल के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना कर लोगों को दिखा दिया कि यदि आप में हिम्मत है तो आप भी अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद मुकेश अंबानी ने वो किया जो भारत की में किसी क्रांति से कम नहीं था, और वो थी मोस्ट अवेटिंग जियो की लॉन्चिंग, जो दुनिया के सबसे सस्ते सर्विस वैल्यू है, जो कि आज भारतीय मोबाइल यूजर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जो कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम था। और यह कदम मुकेश अंबानी के लिए काफी सफलता भरा रहा, जिसने उन्हें मोबाइल की दुनिया में का बादशाह बना दिया। और आज शायद हर 3 व्यक्ति में से 2 के पास अंबानी द्वारा लॉन्च जियो सर्विस सेवा है। मुकेश अंबानी का जन्म आदान यमन में हुआ था। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और कोकिला बेन अंबानी के बड़े पुत्र हैं, और उनके 2 बहनें और एक भाई भी है। धीरूभाई अंबानी यमन में पेट्रोल पंप में काम किया करते थे। जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ तो वो भारत लौट आए और अपने परिवार के साथ मुंबई के जय ग्रुप सोसाइटी में 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में रहने लगे और वहीं से अपना पॉलिएस्टर का बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस बढ़ता चला गया और धीरे धीरे टाटा बिरला और त्रिरालस बिजनेस से कड़ी स्पर्धा करने के बाद कि बड़े स्तर पर पॉलिएस्टर उत्पादन करने के लाइसेंस पाने में वे सफल रहे, जिसके कारण उनका काम काफ़ी बढ़ चुका था, जिसका आभास उनके बेटे मुकेश अंबानी को तब हुआ जब वो MBA की पढ़ाई कर रहे थे। और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने पिता की मदद करके ने भारत वापस लौट आए और अपने पिता के साथ बिजनेस में सहयोग करने लगे। मुकेश अंबानी अपने समय को लेकर काफ़ी पाबंद है, वो हर प्रोजेक्ट करते समय से पूरा कर लेते हैं। अपने पिता का गुरु मंत्र नथिंग इज इम्पॉसिबल यू कैन मेक इट पॉसिबल का पूर्ण अनुसरण करते हैं, जिस वजह से वो अपने हर काम को अंत एक पहुंचाते हैं। 2002 में उन्होंने महत्वाकांक्षी कंपनी रिलायंस इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसका बाद में नाम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया, जिसके सफलता से वे हर भारतीय की जुबान पर छा गए। पर मृता की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर टकराव होने लगा, जिसके चलते जल्द ही बिजनेस में वे अलग हो गए। इसका असर उनके रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा, वे आज भी साथ हैं। आज मुकेश अंबानी और अपने रिलायंस की महत्वाकांक्षी जियो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हर भारतीय को 4G नेटवर्क उपलब्ध कराना है। उनका लक्ष्य है जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। सो एट द एंड, कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर ट्यूजडे थ्रोजडे एंड सैटरडे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है FB पेज की, सो आप मुझसे FB के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।